प्रधान बंधुओं नमस्कार। इस पंचायत निर्वाचन में आप सभी लोगों को निर्वाचित होकर के आने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। आज जो हम विषय लेकर के आए हैं, उस विषय का मतलब है कि गांव सभा की बैठकें, उनका कोरम और उनके कार्य। गांव सभा की बैठक और कोरम की जब बात हो रही है तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि गांव सभा क्या होती है। गांव सभा का मतलब गांव में निवास करने वाले उन नागरिक समूहों से है जिनका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज है। अब सभी प्रधान भाइयों को ये जान लेना बहुत जरूरी है कि गांव सभा का नाम निर्धारण कैसे होता है। गांव सभा में एक या एक से अधिक राजस्व ग्राम जो है सम्मिलित होते हैं, तो नामकरण के पहले जिस गांव की आबादी सबसे ज्यादा होती है तो गांव सभा का नामकरण उस राजस्व गांव के नाम पर ही किया जाता है। अब आपको ये बताना जरूरी है कि पंचायत राज एक्ट के धारा 11 भाग 1 के अंतर्गत गांव सभा में दो बैठकें होनी चाहिए। पहली बैठक खरीफ की फसल कटने के बाद, दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के बाद। लेकिन कोई ऐसी बाध्यता गांव सभा को नहीं है। गांव सभा आवश्यकता अनुसार दो से अधिक गांव सभा की बैठकें कर सकती है। आवश्यकताएं जैसे शासन द्वारा निर्देश दिए गए हों कि आप इस लाभार्थियों का चयन करिए, या कोई ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गांव सभा का प्रस्ताव भेजा जाना जरूरी है, इस तरह से अगर कोई कार्य शासन द्वारा या जिले स्तर से ऐसा किसी केंद्र की योजना के लिए, राज्य सरकार की योजना के लिए, या गांव सभा खुद ऐसी आवश्यकता समझती है, गांव के 1/5 लोग किसी महत्वपूर्ण विषय पे आवश्यकता समझते हैं कि गांव सभा की बैठक बुलाया जाना जरूरी है, तो गांव सभा दो से अधिक बैठकें भी कर सकते हैं। अब आपको इस बात की जानकारी होना आवश्यक है कि गांव सभा की बैठक बुलाएंगे कैसे। तो गांव सभा की बैठक बुलाने के लिए पंचायत राज एक्ट में ये व्यवस्था है कि कम से कम 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जाए और इस बात की सूचना गांव सभा के सारे महत्वपूर्ण स्थानों पे चिपका कर गांव सभा के सदस्यों को अवगत कराया जाए, डुग्गी पिटवाई जाए। इन सब का आशय प्रधान भाइयों ये है कि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी हो कि गांव सभा की बैठक की तिथि स्थान क्या है, ताकि वो अधिक से अधिक संख्या में गांव सभा की बैठक में पहुंच सके। अब सभी लोगों को ये उत्सुकता होगी कि गांव सभा की बैठक बुलाएगा कौन और गांव सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इस संबंध में है कि गांव सभा की बैठक जो है ग्राम प्रधान जो है बुलाएगा और गांव सभा की बैठकों की अध्यक्षता भी ग्राम प्रधान करेगा। गांव सभा की बैठक में यदि किसी कारण से बैठक बुलाई जा चुकी है और ग्राम प्रधान अनुपस्थित होते हैं, तो प्रधान जी को चाहिए कि वो किसी सदस्य को लिखित रूप से पहले ही मनोनीत कर दें कि फला व्यक्ति हमारी अनुपस्थिति में गांव सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि किसी कारण से ग्राम प्रधान द्वारा ऐसा नहीं हो पाता है तो एडीओ पंचायत किसी भी सदस्य को जो है गांव सभा की बैठक के लिए नामित कर सकते हैं। कभी कभी आपकी गांव सभा में ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि प्रधान जी द्वारा भी किसी को मनोनीत नहीं किया गया, एडीओ पंचायत द्वारा भी किसी को मनोनीत नहीं किया गया, तो ऐसे में गांव सभा जो है अपने बीच में से भी किसी सदस्य को अध्यक्ष का मनोनीत कर सकती है और वो उस गांव सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि गांव पंचायत की बैठक किस तिथि, किस दिनांक, किस स्थान पे होगी। निश्चित है कि उस दिन जो है गांव के सभी जो गांव सभा के सदस्य हैं वो लोग उपस्थित होंगे, लेकिन बैठक के प्रारंभ होने से पूर्व एक कोरम की व्यवस्था है। तो ये ग्राम पंचायत सचिव और इन सब का ये कार्य है कि जो वहाँ का कार्रवाई रजिस्टर होता है, उपस्थित पंजिका होती है, उसमें लोगों के हस्ताक्षर कराएं और यदि उस गांव सभा के मतदाता सूची में दर्ज सदस्यों में से 1/5 कम से कम उपस्थित हैं तो गांव सभा का कोरम पूरा हो जाएगा और गांव सभा की बैठक जो है प्रारंभ की जा सकती है, और नहीं तो गांव सभा की बैठक को कोरम के अभाव में स्थगित करना पड़ेगा। और कोरम के अभाव में स्थगित बैठक को जब आप अगली बार जो है गांव सभा की बैठक करेंगे तो उसमें आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि कोरम पूरा है कि नहीं, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखा जाए कि जो गांव सभा की बैठक कोरम में के अभाव में स्थगित हुई थी उसके एजेंडा, उसमें लिए गए कार्यक्रम में परिवर्तन न किया जाए, क्योंकि ये बैठक उसी बैठक के क्रम में की जा रही। गांव सभा की बैठक के संबंध में ये भी अवगत कराना है कि कभी कभी गांव में बोलचाल की भाषा
भाषा में गांव सभा की बैठक को खुली बैठक भी कहते हैं। लेकिन खुली बैठक शब्द, इस तरह का कोई शब्द पंचायत राज एक्ट में नहीं है, लेकिन व्यवहार में अगर खुली बैठक कहा जाता है तो उसका अर्थ यही है कि गांव सभा की बैठक, और इसमें जो है गांव सभा के सभी मतदाता सूची में दर्ज सदस्य जो है इसके जो है सदस्य होंगे। तो गांव सभा की बैठक प्रारंभ होने में सर्वप्रथम हम गत जो है गांव सभा की बैठक की कार्रवाई को पढ़ करके सुनाया जाएगा, उसकी पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा अगर शासन और जिले स्तर या प्रदेश स्तर या किन्हीं विभिन्न योजनाओं के संबंध में जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको भी सबको बताया जाएगा। अब गांव सभा की बैठक में जैसे कि सभी सदस्यों को भी ये मालूम होगा, सचिव को भी मालूम है, ग्राम प्रधान जी को भी मालूम है कि एक एजेंडा बनाया गया होगा कि इस बार जो है हम गांव सभा की बैठक में क्या क्या करेंगे। गांव सभा की बैठक ज्यादातर हम कार्य योजना बनाने के लिए बुलाते हैं। जितनी विभिन्न सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे लाभार्थी चयन की हो, आवास की हो, तो इन कल्याणकारी योजनाओं के जो लाभार्थी चयन किए जाते हैं उनके का चयन जो है हम गांव सभा की बैठक में करेंगे। हमारी जो योजना बनती है वो कहलाती है गांव पंचायत विकास योजना, जिसको कि अंग्रेजी में हम GPDP भी कहते हैं। तो इसमें हम गांव सभा को ये मालूम है कि मेरे पास जो है कितना फंड है, कितना हमारा बजट है, राज्य वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग और विभिन्न योजनाओं में हमारे अपने स्रोतों से कितनी हमें धनराशि प्राप्त है। तो सभी प्रधान भाइयों को चाहिए कि गांव सभा की बैठक के पूर्व ही नोट कर लें कि गांव सभा के पास कितने फंड जो है उपलब्ध हैं, केंद्र की योजनाओं से कितने फंड हैं, राज्य की योजनाओं से कितने फंड हैं, गांव पंचायत की अपनी आमदनी कितनी है। गांव सभा के सदस्यों की बैठक करने के पहले भी सभी प्रधान भाइयों को चाहिए कि अपने स्तर से भी ये गांव का सर्वे करा लें, जानकारी प्राप्त कर लें कि कौन से कार्य जो है गांव सभा को प्राथमिकतापूर्ण कराए जाने के लिए आवश्यक हैं, कहाँ हमारी नाली की आवश्यकता है, कहाँ हमारा पंचायत भवन में क्या स्थिति है, स्कूल में हमारे कौन से आवश्यक कार्य हैं, वहाँ का शौचालय है, वहाँ के जो है दरवाजे हैं, टाट पट्टी या कोई ऐसी जो है टाइल्स लगनी है, या स्कूल की आवश्यकताओं के लिए हमें क्या जरूरत है, पंचायत भवन में क्या हमारी आवश्यकता है, तीन सब व्यवस्थाओं को गांव की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रस्ताव जो है गांव सभा बनाएगी। और जब ये प्रस्ताव पूर्ण रूप बन जाएगा, बजट के अनुसार बन जाएगा, तीन की समस्त की जो है सिफारिश गांव पंचायत को करेगी, और जो GPDP गांव सभा द्वारा बनेगी उसको ही ग्राम समाज में लोड किया जाएगा। गांव पंचायत जो है स्वयं ही 2 लाख तक की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृत प्राप्त कर लेगी। 2 से 2.5 लाख के बीच के जो प्रस्ताव होंगे उनमें ADO पंचायत की स्वीकृति होगी। 2.5 लाख से 5 लाख तक के जो प्रस्ताव होंगे गांव सभा के उनमें जो है स्वीकृति DPRO द्वारा दी जाएगी, और 5 लाख से ऊपर के अगर कोई प्रस्ताव हैं तो वो सभी प्रस्ताव जो है जिलाधिकारी महोदय की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही उनमें कार्य किया जा सकता है। जन सहभागिता से ये जो है गाँव सभा जो है GPDP और विकास के कार्यक्रम बनाएगी, तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रस्ताव में गांव पंचायत को भी अमल करने में, एग्जीक्यूट करने में पूरी सहायता मिलेगी, और पंचायत राज का जो उद्देश्य है कि जो है गांव की जो स्थानीय स्वशासन है उसमें जन सहभागिता को बढ़ाया जाए, स्थानीय जो संसाधन है उनका अधिकतम प्रयोग किया जाए, विकास के कार्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संचालित किया जाए। मैं महेंद्र सिंह, उपनिदेशक पंचायत बरेली मंडल, आपसे अनुमति चाहता हूँ। ये हमारी आपका जो है पहला मिलन है, और भविष्य में हम आप मिलते रहेंगे और आपका हम मार्गदर्शन जहाँ भी आपको आवश्यकता होगी अवश्य करेंगे, और आपके योजनाओं को जो आगे बढ़ाने का आपने संकल्प लिया है उसमें जो है पूरा पंचायती राज विभाग आपके साथ है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेगा। धन्यवाद।